हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन। थम्स अप, थम्स डाउन बिलो, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और बेल आइकन की घंटी पे एक थप्पड़ सा मार दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यार आज का वीडियो ना, मेरे को कमेंट आया था एक, तो उसके रिप्लाई में मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो मेरा दोस्त था भाई, उसने कमेंट में लिखा था कि भाई मुझे ना कोई फॉरेन के अच्छे, जो आपके कोई फेवरेट हो, है ना, फ्लर्टिंग कोचेस, है ना, डेटिंग कोचेस, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो भाई मैं पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा भाई कि देखो, मैं अपने आप को कोई सेल्फ प्रोक्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डेटिंग कोच हूँ, है ना, या फ्लर्टिंग टिप्स देने वाला बंदा हूँ, है ना। दुनिया में और भी लोग होंगे, है ना, और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। अब मेरा क्या है भाई, मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो जो फ्लर्टिंग की टिप्स देता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ, तो मैं अपने वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ घटनाएं हुई है ना, उसको शेयर करते हुए, दिमाग में रखते हुए, है ना, तो फिर मैं साइंटिफिक तरीके से वो वीडियोस अपने हिसाब से बनाता हूँ, है ना, ठीक है। आपने देखा भी होगा वीडियोस, तो मेरे जो वीडियो होता है, मैं वन टेक वीडियो देता हूँ ना, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, है ना। पहली बात तो मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई, तुरंत मैं मोबाइल के सामने वीडियो बना लेता हूँ और वन टेक में बनाता हूँ, है ना। पता लग जाता है, आप लग जाता हो आपको मेरी बात करने के तरीके से, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, मैं वन टेक बनाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट करके बनाऊंगा, है ना, और पूरा दिन लगाऊंगा बनाने में वीडियो, है ना। तो भाई इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं ना, मेरा फैमिली बिजनेस है, वो मुझे देखना पड़ता है ना, बाकी फिर मुझे अपना कुछ क्रिएटिव काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, है ना। तो मेरे पास मतलब टाइम बहुत कम है, मुझे मेरे को और भी अपना कुछ धंधा पानी में भी, है ना, ध्यान देना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है कई बार, तो मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ कि मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। और कई लोग बोलते हैं भाई आप इक्विपमेंट्स वगैरह लेके बनाओ वीडियो, ना। मैंने कहा यार मेरे पास मतलब इतना नहीं है, मैं इतना लाइफ में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को कोई पैसों की प्रॉब्लम है कि भाई मैं माइक्रोफोन नहीं खरीद सकता, या मैं इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकता, वो चक्कर नहीं है। मैंने और जगह बहुत पैसे बर्बाद करे हैं, यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम बाउंडेड हूँ तो बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि डेली में कम से कम 2 वीडियो बनाऊँ, है ना। और इसीलिए मतलब मैं जो मेरे माइंड में चल रहा होता है, मैं एज इट इज़ लाइव तरीके से मतलब वीडियो बनाता हूँ मैं, है ना। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते तो मैं आपको लाइव वीडियो ही में ही आता डेली, है ना। तो मेरा क्या है, मैं वन टेक में मतलब जो मेरे को दिमाग में आता है, मैं उस हिसाब से सोच के मैं बोलता हूँ। आप मेरे एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो ना, जो बंदा मतलब तोते की तरह रट के आएगा, वो बोल देगा, वो अलग तरीके से बात करेगा। मेरा क्या है, मैं सोच समझ के जो मेरे दिमाग में आता है, वो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे भाई देखो, फ्लर्टिंग कोच दुनिया में एक से एक है, मैं नहीं बोलता भाई, मैं उनका नाम नहीं लूंगा भाई, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, सीरियसली बताऊँ तो मैं अपने आप को बेस्ट समझता हूँ, ठीक है। मेरे उनकी नज़र में वो बेस्ट होंगे, मेरी नज़र में मैं बेस्ट हूँ, है ना। और ये है कि भाई देखो, सबका मैं आपको, अगर आप पूछोगे भाई किसको देखो, तो मैं तो बोलूँगा भाई सबको देखो, है ना, थोड़ा थोड़ा सबको देखो, और देखो भाई उनमें से किसकी चीज़ें ज़्यादा काम कर रही है ना। अगर आप आपकी लाइफ में दूसरों की फ्लर्टिंग टिप्स लेके आपका भला हो रहा है, तो आप उनसे टिप्स लीजिए, है ना। अब मेरा वीडियो देख के आपको आपको भला हो रहा है, तो मेरे वीडियोज़ देखिए आप, है ना। मेरा कोई ऐसा नहीं है भाई, मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको कि भाई मेरा ही वीडियो देखो, है ना। मैं तो बोलता भी हूँ भाई, अगर आप नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, है ना, सीधी सी बात है। तो मैं इसलिए मतलब उनका भाई साहब का एक आंसर कर रहा था क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला भाई नहीं, वो जिद जिद पे अटक गए, मतलब नहीं भाई मुझे कोई तो बताओ। तो मैंने उनको बताया भाई देखो, ऐसा है कि मैं मतलब फ्लर्टिंग कोचेस को तो नहीं आइडलाइज करता, है ना, लेकिन मैं कई सारे बॉलीवुड के और हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मतलब जिन्हें जिन्हें मैं देखना पसंद करता हूँ, मतलब जिनकी फ्लर्टिंग मतलब जिस तरीके से एक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ मतलब आइडलाइज करता हूँ, मैं भी वैसा ही बनूँ। तो उनमें है भाई, अगर आप हॉलीवुड की बात करोगे, तो हॉलीवुड में मुझे एक जॉर्ज क्लूनी नाम का एक एक्टर है ना, जो ओशन 11 वगैरह में था, और भी काफ़ी फिल्में आई हैं उसकी एक से, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब उसकी फ्लर्टिंग टिप्स वगैरह बहुत पसंद है। देन एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है उनका, एक डेन कुक करके, तो वो भी भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी फ्लर्टिंग वो मतलब अच्छा लगता है, उसकी बात करने के तरीके से उसकी फ्लर्टिंग टिप्स मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप बॉलीवुड की बात करोगे, तो बॉलीवुड में कोई मुझे ज़्यादातर मतलब प्लास्टिक एक्टर्स ही लगते हैं भाई, ज़्यादा कोई है नहीं जो फ्लर्टिंग में जितना एक्सपर्टीज़ हो। अगर आप हैंडसम तो एक से एक है, लेकिन अगर आप फ्लर्टिंग की बात करो, तो मुझे लगता है आज के दौर में अगर आप देखें तो, हाल फिलहाल के, तो मुझे लगता है भाई इमरान हाशमी नाम का एक एक्टर है, तो वो काफ़ी नेचुरल लगता है मुझे फ्लर्टिंग में, मतलब तो उसकी फ्लर्टिंग इस तरीके से वो एक्ट करता है, तो मुझे लगता है भाई उस टाइप का मुझे बनना चाहिए, मतलब है ना।
बाकी आप बोलोगे कि भाई फ्लर्टिंग कोचेज आप रेकमेंड करो, तो भाई मैं खुद किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, है ना। हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ भाई, अगर आप गूगल में सर्च कर लो भाई, आपको अच्छे अच्छे फ्लर्टिंग टिप्स वाले बंदे मिल जाए, है ना। आप उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, है ना, उनकी वीडियोस देखो और मेरे वीडियोस देखो, फिर देखो भाई क्या अंतर है ना। कि मेरा क्या भाई, मैं अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, जो लाइफ में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए। मैंने कहीं जगह बहुत जगह टाइम वेस्ट किया अपने लाइफ में, इधर उधर कहीं जगह रहा हूँ, कहीं शहरों में रहा हूँ, है ना। तो कहीं मेरे एनकाउंटर्स है, तो मैं अपने एनकाउंटर शेयर करता हूँ। उस हिसाब से मैं थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच मिला के थोड़ा बहुत, है ना, करता हूँ। मैं थोड़ा स्टडी भी करता हूँ, ऐसा नहीं, रिसर्च भी करता हूँ थोड़ी बहुत। मैं पढ़ता हूँ, हाँ, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब मैं किसी का वीडियो देख के, जैसे नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। बहुत से आपको मिल जाएंगे, मतलब ऐसे यूट्यूबर्स वगैरह जो अपना अपना मतलब उसमें एडिटिंग वेडिटिंग तो झकास करते एकदम, मतलब बढ़िया से उनकी वॉइस वगैरह सब आएगी, माइक्रोफोन वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो, है ना, एडिटिंग तगड़ी वगड़ी रहेगी। लेकिन जो भाई मेन चीज़ होती है कंटेंट। अब कंटेंट उनका चुराया हुआ होता है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं खाली, एक दूसरे की वीडियो वहाँ से चुराई, वहाँ से चुराई, और वही फैल रहा है, मतलब एक दूसरे। तो मेरा मेरा ये है भाई कि मैं कुछ नया अपनी तरफ से, मतलब मेरा अपना एक स्टाइल है, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ ना। मेरे को जो भी थॉट्स हैं वो मेरे अपने हैं खुद के। चलो दोस्तों, फिर आज का वीडियो में तो मेरे को खाली यही बताना था आपको, है ना। वो भाई साहब का एक मुझे क्वेश्चन था, उनका आंसर करना था, तो वो कमेंट्स में नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने मेरे से और भी कोई चीज़ पूछा है भाई, एक चीज़ का वीडियो और बनाओ आप, कि मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा था एनजाइटी के बारे में, है ना, और क्या लुक्स मैटर करते हैं डेटिंग वगैरह में। तो भाई मैं जल्दी उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी आपको जैसे बताया, मैं टाइम का बहुत मेरे पास कमी है ना। अब जैसे ही मेरे को नेक्स्ट टाइम मिलेगा मैं तुरंत बना दूंगा, मेरे पास दिमाग में है अभी वो चीज़ भी, क्या है कैसे करना है उसको, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा, है ना। ठीक है, चलो दोस्तों, फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहो, है ना, और थम्स अप थम्स डाउन कर दो यार, है ना। और मेरी वीडियोस में देखो, ऐसा कोई दुनिया मतलब यूट्यूबर नहीं होगा जो मतलब सेम कंटेंट एक दिन बना रहा है ना, विदाउट एडिटिंग, है ना। और मतलब मेरे को वीडियो बनाने में मुश्किल से 20-25 मिनट लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती, पोस्ट करने से मिला के, मतलब बना के वीडियो वन टेक में मैं वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी के, 20 मिनट मुझे पोस्ट करने में लग जाती है ना, बस इतना ही होता है। और मेरे को इतना ही टाइम मिलता है कसम से, मतलब मेरे को लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता भाई, मतलब कि मैंने पूरा माइक्रोफोन वगैरह सेट करके, है ना, और ट्राईपोड लगा के मैं पूरा वीडियो बनाऊँ। मैं तो अपना हाथ से मतलब कैमरे से अपना अपना शूट करके फटाफट वीडियो बना देता हूँ, है ना। और देखो मेरे वीडियोस का ये फ़ायदा भी है भाई कि आप मतलब इंग्लिश में भी बना रहा हूँ, हिंदी में बना रहा हूँ, है ना, और एक्सप्रेशंस के साथ बनाता हूँ, मतलब दिल से बोलता हूँ। तो मैं नहीं बोल रहा भाई कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, है ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, मेरी वीडियोज़ आप हिंदी में और दोबारा फिर इंग्लिश में देखोगे, है ना, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी, बिल्कुल होगी। और लैंग्वेज आपकी मतलब लिखने वाली नहीं होगी, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए, है ना, और आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत गलत भी हो तो चलता है, लेकिन एक फ्लो होना चाहिए ना बात करने का, तो वही मैटर करता है। मतलब ऐसा मतलब शायद ही दुनिया में कोई बंदा हो जो ग्रामेटिकली हमेशा सही हो। तो अगर आप शेक्सपियर की बात करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे गलत हो हुआ है। तो मैं अपने आप को भाई सेल्फ प्रोक्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन ये है कि भाई हाँ, स्पोकन इंग्लिश में मैं बोल लेता हूँ वन टेक में, है ना, और हिंदी भी मेरी अच्छी है। तो अगर जिसको हिंदी भी सीखनी है, हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखे, है ना, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब चीज़ें वो सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, फ्लर्टिंग और ये मतलब डेटिंग टिप्स वगैरह, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे काम आती है चीज़ें, तो ये सब चीज़ों से हम लोग जल्दी पिक कर सकते हैं ना। तो बाकी आप अपनी भी प्रैक्टिस करिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप इंग्लिश मेरे भरोसे ही बैठे हो सीखने के लिए, आपका जो ABCD वगैरह है वो अपने आप सीखे, मैं खाली स्पोकन इंग्लिश की बात करता हूँ। तो दोस्तों फिर खुश रहिए, है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उन भाई साहब का डाउट थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया होगा। अगर हाँ, आपको भी कोई वीडियो डिमांड करनी है भाई, आपको कोई क्वेश्चन हो कि हम टिप्स का, डेटिंग टिप्स या फ्लर्टिंग टिप्स हमें, या कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, है ना, तो मेरे को कमेंट में आप बता दीजिए, मैं उस पर फिर अगला वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा, है ना। चलो, बाय बाय।